तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो इस वाले वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप ACR डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे अनेबल कर सकते हैं। ये वाली ट्रिक बहुत सारे Xiaomi डिवाइसेस और बहुत सारे Android डिवाइसेस में वर्किंग कर रही है, तो आप इसको अपने डिवाइस में ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ACR डायलर सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन पर वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। वीडियो का लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर लेना। तो इसके बाद आपको सिंपली कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली APH एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस वाली एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो फिर इसको आपको सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो कर रहा था। तो आपको सिंपली APH को यहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है, और APH को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इस वाली एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, अलाउ APH टू रिकॉर्ड ऑडियो। तो आपको इसको यहाँ से इसको परमिशन दे देनी है, और आगे बढ़ने से पहले आपको सिंपली APH के ऐप इन्फो में जाना है, और ऐप इन्फो में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे अलाउ रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसको यहाँ से टर्न ऑन कर देना है। और इसको टर्न ऑन करने के बाद अब आपको सभी परमिशंस यहाँ से दे देनी है। डाउनलोडेड ऐप्स में जाइए, APH में जाइए, और APH के ऑप्शन को यहाँ से टर्न ऑन कर दीजिए। और इसको टर्न ऑन करने के बाद आपको आगे क्या करना है वो भी आपको एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैंने इसकी परमिशन को यहाँ से अनेबल कर दिया, और अगर आपका ACR फ़ोन में यहाँ पे नॉट वर्किंग शो कर रहा है, तो आपको सिंपली इसकी परमिशन को यहाँ से टर्न ऑफ करके दोबारा से टर्न ऑन करना है। और इसके बाद क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ACR फ़ोन और APH दोनों को यहाँ से टर्न ऑन कर दिया है, और वापस से अब आपको APH ओपन करना है। और अब आपको यहाँ पे एक वार्निंग मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर वर्जन ACR वर्जन इज़ नॉट इंस्टॉल और मस्ट बी अपडेटेड। तो आपको सिंपली एक बार इंस्टॉल पे यहाँ से क्लिक करके देखना है कि आपका क्या शो होता है। तो अगर आपका यहाँ से कोई अपडेट शो करता है, तो आपको सिंपली इसको यहाँ से अपडेट कर लेना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने ACR फ़ोन को सक्सेसफुली अपडेट यहाँ पे कर लिया है, और इसी के साथ यहाँ पे सभी परमिशंस भी अनेबल हो चुकी हैं। और इसी के साथ आप जब यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग पे जाएंगे, तो आपको अब आप यहां पे देख सकते हैं कि APH में ये सारी परमिशंस अनेबल हो चुकी हैं। और अनेबल होने के बाद ACR फ़ोन में आप जब रिकॉर्डिंग करने जाएंगे, तो आपकी रिकॉर्डिंग भी अब यहां पे सक्सेसफुली हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं आपको यहां पे दे देता हूं। और अगर ये ट्रिक आपके Xiaomi डिवाइस में वर्क नहीं करती, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक बहुत सारे डिवाइसेस में वर्क करनी स्टार्ट कर दी है। तो सिंपली इन वाले स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और अगर आपके डिवाइस में ये वर्क कर जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। अगर आपके डिवाइस में ये वर्क नहीं करता है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन APH था, और APH को भी हमने इंस्टॉल कर लिया, और अब ये मेरे डिवाइस में प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे MIUI 14 Android 13 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके डिवाइस में Android 12 है, तो भी ये वाली ट्रिक आपके डिवाइस में वर्क करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर से करके जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।